ईवीएम डिस्पैच के लिए संख्या पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग जो पार्टी है उसके सही एवं समूथ परिचालन के लिए पटना जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी पीसीसीपी पार्टी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और यहां से ईवीएम मशीन लेकर के वे अपने गंतव्य स्थल अर्थात मतदान केंद्र तक मतदान बूथों तक अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पहुंच जाए इसका हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभी जो ईवीएम जाएगा मतदान तो उसके साथ सुरक्षा हाँ अभी हाँ पीसीसीपी के साथ पुलिस पार्टी पहले से तैयार की गई है पहले से तैनात की गई है और मतदान बूथ पर भी पुलिस पार्टी तैनात कर दिया गया है वहाँ पर भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है मतदान समाप्ति तक के लिए और समाप्ति के पश्चात फिर वहाँ से ईवीएम मशीन की कलेक्शन और जमा करने तक का पूरा सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है 68 जगहों पर जिसमें 17 नगर निगम के अलावे नगर पंचायत और 2 नगर परिषद पर मतदान होगा उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना नगर निगम में भी कल चुनाव होना है उसके लिए 1891 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी पर देखिए ईवीएम का भी डिस्पैच किया जा रहा है। ईवीएम यहाँ पर जो कर्मी हैं वो ईवीएम लेने के लिए पहुँचे हुए हैं इसके लिए 17 टेबल बनाए गए हैं और निर्वाचित पदाधिकारी DDC हैं। सर क्या क्या तैयारी पहले ये आज हम लोग का जो पोलिंग कम पेट्रोलिंग पार्टी है जो ईवीएम्स जो लेके जाते हैं बूथों पर वो आज हमारा डिस्पैच यहाँ से हो रहा है। प्रॉपर व्यवस्था की गई है सभी ईवीएम्स की कमिश्निंग प्रॉपरली हम लोगों ने करा रही थी। कल पेट्रोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका था पोलिंग पार्टी का सभी का डिस्पैच हो चुका है। कुल 1891 बूथ बनाए गए हैं और हम लोग के 123 सेक्टर हैं कुल 629 भवनों पर निर्वाचन किया जा रहा है। सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। आज PCCP का डिस्पैच हो रहा है और कल हमारा मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। तो अच्छा इसको लेकर कल रूट में भी कुछ बदलाव किया गया है AL कॉलेज के आसपास? हाँ क्योंकि सभी जो पोलिंग पार्टीज वापस आएंगी PCCP वापस आएंगी भी अपना ईवीएम जमा करने वो AN कॉलेज में करेंगे। नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है ताकि उस रूट में विधि व्यवस्था या ट्रैफिक की कोई इश्यू ना हो और उसको प्रॉपर प्रचार प्रसार करके सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी दे दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। टोटल 14 टेबल यहाँ पे लगे हुए हैं सबके बीच क्लस्टर्स और PCCP के नंबर्स वितरित कर दिए गए हैं डिवाइड कर दिया गया है प्रॉपर उस पर पदाधिकारी उपस्थित है जो अपना जो PCCP आ रहा है उसका मिलान करके ईवीएम देते जा रहे हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट वो लोग गांधी मैदान में कर रहे हैं वहाँ से नियमित रूप से गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है यहाँ से अपना ईवीएम लेकर बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सर क्या रहेगा? हर एक मतदान केंद्र पे 1-3 का बल दिया जा रहा है साथ ही साथ जो हमारे PCCP है उनके साथ 4 की फोर्स है साथ ही साथ स्पेशल QRTs हैं जो जितने सेंसिटिव पॉकेट्स हैं सेक्टर्स हैं उसमें निरंतर मूव करेंगे और कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो वहां पर वो तुरंत पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ जोनल सुपर जोनल सेक्टर पदाधिकारी क्लस्टर पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है ताकि वो पूर्ण रूप से हर एक एस्पेक्ट पर ध्यान रख सके। गश्ती के लिए भी कितने पदाधिकारी रहेंगे? सभी जो क्लस्टर्स हैं हमारे उस पर सेक्टर 123 हैं 75 क्लस्टर हैं साथ ही साथ हमारे जितने भी नगर निगम के वार्ड्स हैं सब पे 2-2, 3-3 QRTs दी जा रही हैं और साथ ही साथ हर एक मतदान केंद्र जो हमारे 1891 है सब पे 1-3 का बल अलग से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। तो ये निर्वाचित पदाधिकारी पटना नगर निगम के हैं और साथ ही ये DDC भी है पटना जिला के और इन्होंने बताया कि जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। आज जो है ईवीएम का डिस्पैच किया जा रहा है तो देख सकते हैं कि 14 टेबल बनाए गए हैं ईवीएम डिस्पैच के लिए। टोटल 75 बाद में चुनाव होना है पटना नगर निगम के लिए और उसके लिए 1891 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
तो जो तैयारी है राज्य निर्वाचन आयोग का वो देखा जा रहा है कि मतदान सुचारू और सही ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से हो, उसको लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि कोई और राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि कहीं हर जगह शांतिपूर्ण मतदान होगा और समय से सही तरीके से होगा। उसके लिए डीडीसी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। क्योंकि पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।